मेटाबोलिज्म फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ मेटाबोलिज्म इंपॉर्टेंट ऑफ मेटाबोलिज्म देन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म मेटाबोलिज्म ऑल द केमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलिज्मी सिंपलस्ट वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं चाहे वो किसी मालिक्यूल की डाउन हो रही है सेंथिसिस हो रही है या कोई और किसी भी तरह की जो केमिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है दैट इज द मेटाबोलिज्म तो मेटाबोलिज्म को हम सिंपली इस तरह ही डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबोलिज्म अच्छा अगर हम लाइफ को डिफाइन करें तो लाइफ को डिफाइन करते हुए हम कहते हैं लाइफ इज द नेम ऑफ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लाइफ बेसिकली क्या है कि केमिकल रिएक्शन के कंटिन्यू सीरीज का जब केमिकल रिएक्शन बंद हो गए लाइफ फिनिश ठीक है तो इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन का हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहना जो है वो क्या है इसेंशियल है ज़रूरी है और इन्हीं केमिकल रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या है मेटाबोलिज्म है अब वाई दिज केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहे है? इसके हैं इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं ब्रॉडली हम उसको जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सेंथिसिस होती है एनर्जी हार्वेस्ट होती है मालिक्यूल से हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मालिक्यूल जैसे हम जब फूड लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं वही फूड जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे सेल्स के अंदर जाकर ऑक्सीडाइज होता है और इसे ए टी होती है अब ये फूड मालिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन होना उसे एनर्जी हार्वेस्ट होना ये बेसिकली क्या है ये मेटाबोलिज्म है दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि सम मेटाबॉलिज्म की वजह से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मालिक्यूल सेंथिसाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे अब हमारे बॉडी के अंदर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी विद एज हमारा हाइट बढ़ रही है हमारे बॉडी सेल्स बढ़ रहे होते हैं या फिर इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर हमारे बोन मैरस के अंदर कंटिन्यूसली रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तो जब भी नया बायोमैस बनाना है नए सेल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें नए मालिक्यूल्स चाहिए एंड दीज न्यू मालिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म से प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड मालिक्यूल जो है वो सेंथिसाइज होते हैं जो फिर हमारा बॉडी आगे कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे बॉडी को बनाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रोल मेटाबोलि जो मेटाबोलिज्म का है दैट इज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट हैं उसको रिमूव करना जैसे इसके एग्जाम्पल ये है कि जब अगर हमारे बॉडी के अंदर जब प्रोटीन्स हैं जब वो मेटाबोलाइज होती हैं तो उससे आमतौर तो पर प्रोटीन से अमोनिया अलग हो जाता है अगर ये अमोनिया हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते रहेगा तो इट इज हाईली टॉक्सिक तो इसे ये टॉक्सिक है ये फौरन हमारी डेथ काज कर देगा कुदरत ने सिस्टम ये रखा हुआ है कि अमोनिया को मेटाबोलाइज किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है इंट्रो यूरिया और यूरिया लेस टॉक्सिक है हमारी बॉडी से फिर यूरिन की फार्म में निकल जाता है तो इसका मतलब तो कि जो टॉक्सिक वेस्ट है उनको बॉडी से रिमूव करना उनको लेस टॉक्सिक फार्म में कन्वर्ट करने का नाम भी मेटाबॉलिज्म है तो तीन इसके मेजर जो बेनिफिट्स होंगे मेटाबॉलिज्म के एनर्जी सिंथेसिस बायोमालिक्यूल्स और इसके बाद रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस मेटाबोलिज्म को हम ब्रॉडली दो डिवीजन आगे उसके दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कैटाबोलिज्म एंड द एनबोलिज्म हमारे बॉडी के अंदर वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें कंप्लेक्स मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है इंटू सिंपल मालिक्यूल्स दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच कंप्लेक्स मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर मालिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म उसका हम जो कैटाबोलि वट द बेनिफिट ऑफ कटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म की वजह से एनर्जी हारवेस्टिंग एनर्जी हारवेस्टिंग का प्रोसेस बेसिकली कैटाबोलिक प्रोसेस है ठीक है इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस यूके इसकी है इसके अलावा कैटाबोलिज्म की वजह से जो एक मालिकुल ब्रेक डाउन होंगे उनसे हम एक नई टाइप के मालिकूल सेन्थिसाइज कर सकते हैं तो कैटाबोलिज्म का जो प्राइमरी रोल है सेल के अंदर वो है एनर्जी हारवेस्टिंग का है और इसके साथ ही से जो सेकेंडरी रोल ये होगा कैटाबोलिम से ये सिंपल मॉलिक्यूल बने सपोज कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट से कैटाबोलिज्म हुआ और वही कार्बोहाइड्रेट्स जो कैटाबोलाइट्स जो है वो आगे फैटी फैटीसाइज करा रहे हैं एक नई चीज जो है वो बना रहे होते हैं तो अदर टाइप ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो कैटाबोलिज्म की यानी आगे इसके रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कैटाबोलिज्म के अंदर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड की ब्रेकडाउन होती है ये बेसिकली क्या है कैटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पायरेशन यही फूड ग्लूकोज की फार्म जब सेल्स के अंदर जाता है तो सेल्स में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया जाता है और साथ एटीपी सेंथिसाइज होती है तो सेल्स के अंदर फूड की ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन या फैटी एसिड के ब्रेकडाउन जिससे जो एटीपी सेंथिसाइज होगी दिस इज आल्सो द कैटाबोलिक प्रोसेस तो रेस्पिरेशन भी बेसिकली एक कैटाबोलिक प्रोसेस है एनाबोलिज्म सेकेंड टाइप ऑफ मेटाबोलिक रिएक्शन दे आर एनाबोलिज्म और एनाबोलिक रिएक्शन उसको बोल सकते हैं हम ये कैटाबोलिक रिएक्शन का अपोजिट है यानी एनाबोलिज्म में सिंपल मालिक्यूल्स दे ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स मालिक्यूल ये सिंपल मालिक्यूल मिलकर एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बना देते हैं अब जिस तरह से कैटाबोलिक रिएक्शन के के दौरान हमें एनर्जी मिलती है इस एनाबोलिक रिएक्शन के दौरान हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और इसे कंप्लेक्स मालिक्यूल्स बनेंगे जिससे हमारा पूरा बॉडी जो आगे सेंथिसाइज होगा ठीक है एनाबोलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज से ग्लाइकोजन सेन्थिसाइज होना या फिर इसके अलावा फैट्स का हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होना प्रोटीन्स का सेंथिस हमारे बॉडी के अंदर वो लिपर सेंथिसिस प्रोटीन सेथिसिस ग्लाइकोजन सेथिसिस सेंथिस ऑफ डिफरेंट हारमोनस एनजाइम्स जितनी भी टाइप्स के बॉडी हमारे बॉडी के अंदर मालिकुलथिसाइज हो रहे हैं वो सारे के सारे एनाबोलिज्म में आते हैं अच्छा एक और टाइप जो मेटाबोलिज्म के लिए जाती है वो है कोऑर्डिनेटिव एड कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं कि कैसा मेथड जिसमें पहला पहले कैटाबोलिज्म हो रही है कैटाबोलिज्म से जो सब यूनिट्स बने उससे आगे एनाबोलिज्म स्टार्ट हो जाती है उसकी यानी इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों शामिल हैं जैसे अभी मैंने पीछे स्लाइड पर आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होते हैं कैटाबोलाइज होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मालिक्यूल बनाते हैं वो सिंपल मालिक्यूल आगे फैट्स बना देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का कैटाबोलिज्म हुआ है और फैट्स का एनाबोलिज्म हुआ है तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों साइड बाय साइड भी चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर